सो तो वो वेलकम बैक टू गेम तो आज हम से कितने जा रहे हैं रेंज सिमिलर तो पिछला वीडियो में आपको याद ही होगा कि मैं अपने बान में काउ लाया था और अभी तो मैं दूध बेचने के लिए जा रहा हूँ तो तो के गाय इधर मैं ना मतलब इधर मैं दूध बेचने के लिए आ गया हूँ मतलब रे इधर वो डिस्काउंट डिस्काउंट बोल रहा हूँ मतलब मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन मतलब जनरल स्टोर पर भी इतने में ही बिकेगा और यहाँ पर भी इतने में ही बिकेगा तो मैं मैंने सोचा यहीं बेच देता हूँ इधर तो पहले घर चलता हूँ तो कि गाइज इधर मैं पहले अपने रेंच की मतलब रेंच में आ चुका हूँ और अभी मैं अपने मतलब ये जो है इसका नाम रख रहा हूँ यार मैंने अभी तक नाम नहीं रखा मतलब अपने जो भी रेंच है इसका तो यार मैं जो लिखना चाह रहा हूँ रॉयल रंबल लैंड्स वो तो अभी लिख नहीं पा रहा हूँ तो अभी रॉयल रंबल रहन देता हूँ सिर्फ तो यार मेरे को अगर मतलब ये कोई अगर आपके पास कोई अच्छा सा नाम हो तो यार मेरे को बताना मैं कोई मतलब और अच्छा सा कोई नाम हो तो वो रखूँगा अभी एक बार बारी टेम्प्रेरी मैंने ये रख दिया बस तो अभी तो मैं काफ़ी सारा मतलब खाना पीना लेके अपनी मतलब जो काऊ है उसके लिए ले आया हूँ और पिक्स वगैरह के लिए भाई पिक्स और काऊ से ज़्यादा मुर्गियाँ तेज तेज खा रही हैं एक दिन में मतलब एक बैग ऑफ वीट ख़त्म और भाई वो एक दिन में एक बैग ऑफ़ वीट ख़त्म भी नहीं कर पाते वो तो इतने सारे हैं और इतने बड़े बड़े वो यार छोटे छोटे तब भी इतना सारा खा रहा है तो यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है मेरे साथ मतलब इनका खाने पीने का अब ऑटोमेटिक वाला सिस्टम करना पड़ेगा लेकिन अभी यार पैसा वैसा है नहीं और काफ़ी सारे मतलब बेबी पिक्स भी आ चुके हैं अपने रेंच में मतलब अपने बान हाउस में और अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें क्योंकि अब हमारे पास मिल्क तो मतलब काव का हुए करेगा तो अब मैं प्रोडक्शन मतलब चालू कर दूँगा तो अभी तो वो जो मूल्ड वगैरह लाना होता वो भी सब लेके आएंगे तो वो ले आएंगे और अभी मतलब एक वो तो हो ही गया है मतलब ये बेबीज तो आ ही गए हैं तो एक मेल पिक को मार देते चल के ये देखो मतलब तीन मिले हैं इस बार हमें कोई दिक्कत नहीं तो क्या गाइस इधर हमें मिल रहे हैं सेवन ट्वेंटी डॉलर्स मतलब माना थोड़ा कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार जितने दे रहे हो उतने बेच दो यार एक आधा बचा तो नहीं है वैसे सेवन फिफ्टी में बिकता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है और इधर मेरे को ल... ओ यार ये क्या दिक्कत है देखो वहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर है कोई को लैक कर रहा होगा मतलब थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा गेम और अभी मेरे को जाना है जनरल स्टोर में क्योंकि वहाँ से मुझे जो भी मतलब चीज़ बनाने के लिए होता है ना सारा सामान लाना है और जहाँ पर हम चीज़ को रखते हैं वो बनाने के लिए हमें मेटल चाहिए तो वो भी जाके लाता हूँ मैं जल्दी से पहले तो हार्डवेयर स्टोर चलता हूँ तो ओके गाइस इधर मैं हार्डवेयर स्टोर तो आ गया हूँ मेरे को चाहिए मेटल और यार मेटल बहुत ज़्यादा महंगा है मतलब पाँच सौ का सिर्फ फिफ्टी प्लेट्स तो भाई ये तो बहुत कम हो जाएगा अपने टेबल पे एटीन लगने वाले हैं मतलब जो अपना वो बॉक्स है उसमें तो गए अभी मैं जन आ, मतलब इधर आके मैंने जो भी सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया है मतलब जो गैस वगैरह जो हमें चाहिए होता है चीज़ बनाने के लिए वो सारा सामान मैंने ले लिया है और अब मेरे को जाना है सीधा घर पे और मैंने एक स्लीपिंग बैग भी ले लिया ताकि मैंने जो मतलब छोटा सा हॉल बनाया है उसमें मैं ये सोने के लिए रख तो ओके okay कहे जिन्होंने मैंने सारा सामान लोड कर लिया है और यार देखो मैंने अपने मतलब बान मतलब अपने रेंच में एक छोटा सा घर बना लिया मतलब एक स्टोरेज रूम मतलब तो टेम्प्रेरी जो बहुत ईजी है मैंने बहुत लोगों का देखा बहुत लोगों ने जब स्टार्टिंग बनाया तो यही वाला बनाया तो मैंने भी ये वाला बना लिया अभी तो तो ओके गए इधर मैं मतलब अपने जो ये छोटा सा हट है इसमें आ गया हूँ और अपनी कार को रुकते हैं इधर और इधर जो भी मतलब टेबल वेबल है इसको भी अभी कंप्लीट करना है पहले तो इनका देखो अभी फूड डाला भाई कितनी जल्दी जल्दी ये खा रहे हैं अभी नाइन था फाइव हो गया शायद नाइन था या फिर सेवन था पता नहीं लेकिन यार ये बहुत जल्दी खा रहे हैं एक दिन में एक बैग ऑफ फीड ख़त्म हो जाती है तो ओके इधर मैं अपने जो भी अपनी काव है उसका मिल्क ले रहा हूँ तो जल्दी से अपनी बकेट में भरता हूँ और मतलब कैन में डालता हूँ फिर यार उसका चीज़ का भी प्रोडक्शन चालू कर देंगे तो नो मिल्क हो गया बकेट को उठाते हैं और डालते हैं इसमें तो सेवन लीटर हो गया है तो अभी यार इसका भी स्टार्ट करना है मिल्क का भी चीज़ का सॉरी तो यार मैं उसे क्या करने वाला था यहाँ पर पिक्स देख रहा हूँ कितने मतलब काफ़ी सारे अपने पास पिक हो गए हैं लेकिन यार मेरी फ़ीमेल पिक्स नहीं आ रही मतलब जो बेबी फीमेल पिक्स होती है वो नहीं आ रही हैं तो पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है तो इसलिए मेरे को बार बार लानी पड़ती है तो, तो पहले तो मैं ये स्लीपिंग बैग रख लेता हूँ अच्छा ये ऐसा होता है भाई बहुत दिनों के बाद गद्दे में सोने का मौका मिलेगा ले सो जा बेटा तेल इतना मस्त लेके आया हूँ अब आराम से सोइयो पेट भर लियो पूरा सो के यार एक तो इसमें मतलब जो रात होती है बहुत ज़्यादा मतलब डार्क होती है तो बहुत बेकार लगता है वो और अभी दो तीन बार सेव कर लेता हूँ पता चले यार इसमें एक सेव करने की प्रॉब्लम है बाकी सब एकदम मस्त है ये गेम तो यार और ये मैं कंटेनर भी ले आया था मतलब जो ये पैन होता है ये और ये जो अपना शैलो है इसको भी कम्प्लीट कर देता हूँ तो अपना शैलो भी कम्प्लीट हो गया है ये जो फ़ालतू का सामान है इसको मैं थोड़ा सा मतलब साइड में रखता हूँ इधर कोई स्पेस है क्या इसके ऊपर सही रहेगा क्या मैं इसके ऊपर रख देता हूँ एक बारी, ही टेम्प्रेरी और इसके अंदर हम जो भी मतलब चीज़ वग़ैरह होते हैं उसको रख सकते हैं तो ये पेन उठाता हूँ और इसको भी कहीं सही जगह बना के रख देता हूँ तो अभी तो यार रात होने वाली है मतलब अभी टाइम है तो गुड मॉर्निंग गाइज़ नेक्स्ट डे हो चुका है और इधर हमारी जो ड्यूटी है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और इसका जल्दी से जल्दी मिल्क लेता हूँ और जो चीज़ का प्रोडक्शन है वो चालू करते हैं क्योंकि यार चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और जब हम चीज़ का मतलब प्रोडक्शन मतलब बहुत सारा हमारे पास चीज़ हो जाएगा तब हम ये पॉप चॉप्स और सो सौच, सॉसेज वग़ैरह का भी काम स्टार्ट कर देंगे तो अभी जितना हमें चाहिए तो उतना तो हमें मिल गया है अभी एक बार के लिए सिर्फ़ हम मतलब दो ही चीज़ बनाएंगे मतलब मेरे को बनाना नहीं आता लेकिन मैम थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखा हुआ है कैसे बनाते हैं तो अभी ये कैन को लेकर चलता हूँ घर पर मतलब घर तो नहीं है छोटा झोपड़ा है कोई दिक्कत नहीं यार इसको घर कहने में क्या दिक्कत है यार अपनी मेहनत से बनाया है अपने हाथों से बनाया है और पहले तो इसको रखना है इधर कैन को उठाना है इसमें डाला दूध और इसको रखा साइड में पैन को उठाया इसके ऊपर रख देना है अब ये स्टार्ट हो गया देखो बनना और ये मतलब ऐसे हंड्रेड होगा तो मतलब उठा लेना है अभी मेरे को अरे यार एक दिक्कत हो चुकी है या मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है मतलब देखो मैं अंडे इधर ले भी आए उसमें से अभी भी चूजे आ रहे हैं भाई ये क्या सिस्टम है क्या मतलब वाईफाई वाला इनका सिस्टम है क्या और इधर मतलब जो अपना वो है ये रेडी ओ शिट मैंने एक गलती कर दी भाई मिल्क के अंदर पहले वो मूड और वो भी डालना होता है मतलब एक एग अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं मतलब इससे एक नॉर्मल चीज़ बन जाएगा शायद बनता है या नहीं ये मेरे को नहीं पता लेकिन टेस्ट करने में क्या जा रहा है टेक अच्छा अच्छा मतलब ऐसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं मेरे को लगता था एक पेन से सिर्फ एक ही बनता है भाई ये तो सही है यार तो ये कैन को रखता हूँ इधर और अब ठीक से बनाऊंगा यार बिल्कुल और कैन अपनी खाली हो चुकी है इसमें डाला मूल्ड मूल्ड होता है पता मूल्ड होता है कुछ तो होता ही है और उठाए एक एग एग डालने से मतलब ठीक रहता है ये तो अब इसको उठाना है और इसके ऊपर रख देना है तो जल्दी से यार इसकी गैस तो नहीं ख़त्म होती होगी जो ये है अपना मतलब गैस सिलेंडर प्लस पैन या क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मतलब मिनी किचन <laughs> मिनी खाना बनाने का सिस्टम तो इसके अंदर गैस ख़त्म होती होगी या फिर नहीं ये शायद से नहीं होती है तो अभी तो देखो पक रहा है और अब मेरे को पकने के बाद उसको मतलब थोड़ी देर के लिए रख देना थोड़ी देर के लिए नहीं शायद से एक दिन के लिए पूरा तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है इसको अब उठाना है और अभी आ क्यों नहीं ऑप्शन अच्छा अच्छे इसमें प्रोडक्ट निकालना है हमने तो देखो आपने जो वाइट मोल्ड वाला है वो यहाँ पर रख दिया तो यार देखो हमने अब चीज़ का भी प्रोडक्शन चालू कर दिया भाई ये बहुत ही अच्छी बात है और यार क्योंकि चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है और यार मोल्ड भी अपना खत्म होने वाला है तो अगली वाली वीडियो में ले आऊँगा क्योंकि अब इनकी ज़रूरत पड़ने वाली बहुत ज़्यादा और मशीन वगैरह भी लानी है जो सॉसेज वाली होती है अभी तो यार पैसा नहीं है लेकिन जब हो जाएगा तब ले आएंगे और ये अंडे वंडे भाई ऐसे भी नहीं डाल सकते एक बार चेक कर लेते तो कि मतलब नॉर्मली हम डाल सकते हैं उसके अंदर क्या नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता अब अब अपने पास दूध खत्म हो गया नहीं तो और मतलब चीज़ बना लेता आ, ये रखो यहाँ पर एक बार मैं एक चीज टेस्ट करना चाह रहा हूँ अच्छा अब नहीं डाल सकते बस अब वो मतलब तैयार रेडी होने के लिए रख दिया है तो आज की ये वीडियो में सिर्फ इतना इतने है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और यार हर जगह पर सेव कर लो Thank you.